तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि WhatsApp में GIF फाइल को कैसे सेंड करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए प्ले स्टोर ऐप को ओपन करें और यहाँ पर बबल इंडेक्स एंड कीवर्ड को डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करें, देन यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करें। जो भी परमिशन मांगे उसको अलाउ करना होगा आपको, और अलाउ करने के बाद यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर कीवर्ड देगा, आप बबल कीवर्ड पे क्लिक करके ठीक है चूज इनपुट मेथड ठीक है। तो मैं यहाँ बबल कीवर्ड सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर जो भी आपको लैंग्वेज ऐड करना है अपने कीवर्ड में, तो मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी ऐड करना है ऐड करने पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब बैक हो जाइएगा यहाँ से। अब जिस भी बंदे को, जिस भी पर्सन को आप GIF फाइल भेजना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे भेज चुके हैं, आपको भेजना है तो बस यहाँ पर टैग मैसेज वाले पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ स्टिकर पे क्लिक करिए, और स्टिकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर GIF फाइल देगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको GIF फाइल मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जो भी परिस्थिति होगी आपका, जैसे सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, गुड नाइट करना है तो गुड नाइट के लिए यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसको आपको करना है, जिसको आपको भेजना है। जैसे मान लीजिए ये डॉग वाला है जो फनी है, इसको भेज दिया मैंने। रिएक्शन है ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं रिएक्शन ठीक है, जिसको भी आपको भेजना है तो आप इस तरह करके उस मैसेज को, सॉरी उस पर्सन को आप GIF फाइल भेज सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इसको डाउनलोड करना, अगर आपको कोई भेज दिया तो कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप भेजा है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आएगा तो आपको, अगर ऑटोमेटिक आप डाउनलोडिंग प्राइवेसी नहीं लगाए हैं तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, जैसे ये डाउनलोड हो चुका है ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और कई केस में ये डाउनलोड नहीं होता है क्योंकि आपका जो इंटरनेट है वो स्लो होगा, या फिर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा वहाँ पर, जहाँ पर आप जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। तो आप थोड़ा इंटरनेट आप चेक कर लीजिएगा, और आप बहुत ही आसानी से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा।